के उदार किस्म के लोग थे। होना ये चाहिए कि जो लोग सत्ता में हैं उनको उदार होना चाहिए, और हो ये रहा है कि जो सत्ता में हैं वो अभी भी अपने आप को विपक्ष में है ऐसा मानकर लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी पर जो प्रहार चल रहा है या और चलेंगे प्रहार, कई प्रहार चलने वाले हैं। आप देखते हैं कि हमारे जब एक चीफ जस्टिस थे पद पर, उनको लेकर किस तरह की बातें हुई थी और फिर बाद में उसका परिणाम क्या निकला। ये सरकार लोगों को डीमोरलाइज करके, उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करके, प्लांट करके चीजों को, ब्लैकमेल करके और हुकूमत चलाना चाहती है, और इसका प्रतिकार नागरिकों को करना पड़ेगा और पूरे विपक्षी दलों को सम्मिलित रूप से करना पड़ेगा। मीडिया जो है, मुख्य धारा का मीडिया, वो इस समय दलालों की भूमिका में है, इसलिए उस पर तो आप यकीन नहीं कर सकते जिस तरह से टीवी पर चल रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका, ये राहुल गांधी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये विपक्ष की राजनीति, विपक्ष के नेतृत्व और देश में विपक्ष की आवाज, उस सबको अपमानित करने की, डिमोरलाइज करने की, डिप्रेस करने की, आत्महत्या करने के लिए उकसाने की कोशिशें हैं।